और कैलाश जी ने उसमें चार चांद लगा दिए। खूबसूरत गाना है, आपने सुना, आपने कैलाश जी का इंटरव्यू लिया है और बहुत अच्छी फिल्म है। टाइटल इसका आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। मनोज जी ने फिल्म लिखी भी है, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और किशन जी प्रोड्यूसर हैं। बहुत मुझे लग रहा है कि म्यूज़िक बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मनोज जी बहुत जुड़ के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, टाइटल है अलीगढ़ और लिखी भी उन्होंने है, तो म्यूज़िक तो जुड़ के आने ही वाला है। मुझे लगता है बहुत कमाल का काम होने वाला है। सर, एज ए लिरिक्स से जानना चाहेंगे, जब कोई गाना लिखा जाता है तो कितनी कुल हार्डवर्क इस गाने में लगती है, आज जो आप हालांकि सब सारे आप ही सब कर रहे हैं, तो ये गाना के पीछे, ये गाना मनोज जी और मैं कई काफ़ी टाइम से हम लोगों का बनाया हुआ गाना है ये, और बहुत ही मेहनत लगी है इस गाने में, क्योंकि हम लोग बहुत बार आपस में हम लोगों की बातें इधर उधर हुआ कि ये नहीं रखते, और जब फाइनल गाना बना है तो आप लोगों ने सुना ही है कि कमाल हुआ है कुछ। सर, इस मूवी में सारे गाने आपके हैं, तो इसमें सबसे प्यारा गाना आपका कौन सा लगा? अभी तक तो मुझे यही गाना सबसे प्यारा लग रहा है, लेकिन एक आइटम नंबर पर हम लोग काम कर रहे हैं जो अलीगढ़ से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि बड़ा धमाल होने वाला है और कमाल होगा कुछ। दो लाइनें सर, दो लाइनें, मतलब अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस ऐसा सोचा था कि अलीगढ़ की छमिया हूँ और सुन ले दिलवर जानी, और आगे की लाइन में गाने में ही सुनवाऊँगा आपको, तो अलीगढ़ की छमिया हूँ सुन ले दिलवर जानी, ये अभी तक हमने सोचा है। हिस्ट्री इन अलीगढ़ क्या कहेंगे, मतलब जो किस तरह की ये मूवी होगी? और ये रियलिस्टिक सिनेमा है, और अलीगढ़ एक वेस्टर्न यूपी का ऐसा क्षेत्र है जहाँ आए दिन चर्चाओं में रहता है, तो उसकी चर्चाओं को, उसके पहलुओं को दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पिक्चर में, और मनोज जी ने वहाँ के किरदार, क्योंकि वहाँ के हैं, तो बड़े करीब से पकड़े हैं। और मुझे लगता है कि म्यूज़िक, क्योंकि जब एक स्क्रिप्ट राइटर म्यूज़िक करता है तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओके सर, थैंक यू।